हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सभी प्रकार के पीएच वैल्यू, जैसे मिल्क का पीएच वैल्यू, रक्त का पीएच वैल्यू तथा अपन देखेंगे पानी मतलब वाटर का पीएच वैल्यू। तो गाइस, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की सभी स्टेट लेवल की एग्जाम तथा एमपीपीटी की एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है या वाटर का पीएच मान। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम पहले पीएच मान को मतलब कौन कौन से पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर। तो दोस्तों जो समुद्र के पानी का जो पीएच वैल्यू है, तो दोस्तों वह होता है 8.1। तो दोस्तों जो समुद्र का जो पानी है उसका जो पीएच वैल्यू वह होता है 8.1। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पीएच वैल्यू ऑफ एल्कोहल। तो दोस्तों जो पीएच वैल्यू है एल्कोहल की, जो पीएच वैल्यू वह होती है 3.5। तो दोस्तों जो एल्कोहल होता है उसकी जो पीएच वैल्यू पीएच मान होता है वह होता है 3.5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो न्यूट्रल जो उदासीन सॉल्यूशन होता है उसका जो वैल्यू होती है पीएच मान होता है उसका होता है 7। तो दोस्तों कभी भी आप इस बात का ध्यान रखिए, जो भी कोई चीज न्यूट्रल या उदासीन होती है जो उसका पीएच मान होता है 7। तो दोस्तों कोई भी उदासीन चीज का पीएच मान 7 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल। तो दोस्तों जो पीएच स्केल है उसकी खोज किया था सोरेनसन। दोस्तों यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, पर जो हु डिस्कवर्ड द पीएच स्केल, तो दोस्तों जो पीएच स्केल है उसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों पीएच स्केल का प्रयोग हम मतलब क्षारीय तथा अम्लीयता नापने के लिए करते हैं पीएच स्केल का प्रयोग, जिसकी खोज सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों पीएच वैल्यू ऑफ एनएससीएल। तो दोस्तों जो पीएच एनएससीएल की जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच मान होता है वह होता है 7। मतलब एनएससीएल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7। अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द पीएच ऑफ विनेगर। तो दोस्तों इसका पीएच मान होता है विनेगर का 3। दोस्तों कितना होता है? 3 होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एमपीपीटी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो दोस्तों जो मिल्क की पीएच वैल्यू वह होती है 6.4। दोस्तों कितनी होती है? 6.4। अब देखते हैं नेक्स्ट। पीएच वैल्यू ऑफ टीयर्स तो इज इक्वल टू 7.4। तो दोस्तों टीयर्स की जो पीएच वैल्यू होती है उसका पीएच मान होता है वह होता है 7.4। कितना होता है फ्रेंड्स? 7.4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो दोस्तों जो वाटर की जो पीएच वैल्यू वह होती है 7। वह दोस्तों वाटर की पीएच वैल्यू 7 इसलिए होती है क्योंकि फ्रेंड्स जो पानी है वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए दोस्तों पानी का पीएच मान 7 होता है। तो दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों यह क्वेश्चन एमपीपीएटी तथा ऑल स्टेट लेवल की एग्जाम में पूछा जाता है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है 7.4। कितना होता है फ्रेंड्स? ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4। कितना होता है फ्रेंड्स? 7.4। अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो इज इक्वल टू लेस देन 7। तो दोस्तों जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसका जो पीएच मान है वह होता है लेस देन 7। तो दोस्तों यह 7 से कम होता है पीएच मान। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन। तो दोस्तों जो यूरिन का पीएच मान होता है वह होता है 4.8 से 8.4। तो दोस्तों यह क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन। तो दोस्तों वह उसका आंसर का 4.8 एंड 8.4। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन सेल्युआ। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है 6.5 से 7.5। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।